लखनऊ में मंडल रेल प्रबंधक की प्रेस वार्ता। अमृत भारती योजना का किया गया शुभारंभ। अमृत भारती योजना के तहत स्टेशन को किया जाएगा हाईटेक, सिटी स्टेशनों को किया जाएगा हाईटेक। लखनऊ मंडल के कुल 44 रेलवे स्टेशनों का किया जाएगा विकास। अमृत भारती योजना के तहत 44 स्टेशनों को विकास के लिए चुना गया। 6 अगस्त 2023 से 15 स्टेशनों के का किया जाएगा पुनर्विकास। पहले चरण में प्रदेश के 15 स्टेशन को किया गया चिन्हित। 15 स्टेशनों के विकास लिए 773.6 करोड़ रुपए निकाला गया। बजट सिटी सेंटर के रूप में किया जाएगा विकसित। जल्द ही हाईटेक स्टेशन का काम होगा शुरू। पैसेंजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, स्टेशन्स को इम्प्रूव करने के लिए ये योजना है कि पूरे देश के कई स्टेशनों में 500 से ऊपर स्टेशनों में इसमें कार्रवाई होगी। इसमें लखनऊ मंडल के 15 स्टेशन चिन्हित किए गए हैं या अमृत भारत स्टेशन। जैसे मॉडर्न इसमें इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे और सुरक्षा की जितनी भी सुविधाएँ हैं वो ये नए स्टेशनों में एकदम ऑर्गेनाइज वे में प्रोवाइड की जाएगी। काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो स्टेशन बन रहे हैं ये आगे के 30-40 सालों के परिप्रेक्ष्य में रखे बन रहे हैं, तो इसमें जो पैसेंजर्स के लिए सुविधाएं हैं, जो एमिनिटीज़ हैं, सभी आधुनिक रहेंगी और हर चीज़ एक प्लान वे में एक सिनर्जिक तरीके से किया जाएगा।